वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नर्वस सिस्टम गोल्डन की पॉइंट चल रहे हैं अपने एनक्लेक्स से, एनक्लेक्स आरएन से गोल्डन की पॉइंट की क्लासेस चल रही है। एनक्लेक्स आरएन गोल्डन की पॉइंट की क्लासेस चल रही है दोस्तों। नर्वस सिस्टम अपना चल रहा है, उसका पार्ट आज फोर होने वाला है। तीन पार्ट अपन कर चुके हैं, 11 क्लासेस अपन कर चुके हैं। आज की जो क्लास होगी क्लास नंबर 12 होने वाली है, 12 नंबर क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर एनक्लेक्स आरएन से शानदार तैयारी करवाई जा रही है नॉर्थ सेट 2023 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। चलिए, एंजाइटी फ्लशिंग अबो द लेवल ऑफ द लेजन्स एंड पिलो रिएक्शन, हाइपर टेंशन, रेडी कार्डिया, फ्लशिंग एंड स्वेटिंग ऑफ द स्किन आर सिम्टम ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। दोस्तों, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन सिम्टम मुझे बताना है। तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन सिम्टम क्या होते हैं? एंजाइटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन सिम्टम होता है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है वो है थ्रोम्बिंग हेडेक, जो है वो क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम क्या है? थ्रोम्बिक हेडेक। चलिए, इसके अलावा क्या है? थ्रोम्बिक हेडेक के अलावा क्या है? हाइपरटेंशन। बात कर रहा था मैं अभी हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन है। अगर हाइपरटेंशन है तो ब्रेडीकार्डिया होगा, ब्रेडीकार्डिया होगा, बिल्कुल होगा सर। फ्लशिंग एंड स्वेटनिंग बोले तो पसीना आएगा बहुत ज्यादा, फेस है वो फ्लश करेगा, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे कहां पर? अपने को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज टिपिकल कॉज्ड बाय नोक्सियस स्टिमुलाई। बिल्कुल, जो नोक्सियस स्टिमुलाई होती है, नोक्सियस स्टिमुलाई होती है इज द फुल ब्लेडर फिकल इंफेक्शन और प्रेशर अल्सर। देखिए मेरी बात सुनिए, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज कॉज्ड बाई सच एज कोई नोक्सियस स्टिमुलाई हो, फुल ब्लेडर, अगर ब्लेडर फुल हो रहा हो, या फिर फिकल इंफेक्टेशन हो, या फिर प्रेशर अल्सर हो, तो उस टाइम क्या है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कॉज होता है। क्या कॉज होता है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कॉज होता है। चलिए नेक्स्ट है, पुटिंग द क्लाइंट फ्लैट विल कॉज द ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज मोर इन ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर क्या होता है कि पुटिंग द क्लाइंट फ्लैट, जैसे ही क्लाइंट को फ्लैट करते हैं, फ्लैट लेटाते हैं, तो विल कॉज द ब्लड प्रेशर टू इंक्रीज। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बीपी क्या इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मोर इन ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में जैसे ही पेशेंट को लेटाते हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है दोस्तों? वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। बात करेंगे इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, सॉरी, शुड बी असेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द हेड ऑफ द बेड इज राइज इन द क्लाइंट विद ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। देखिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, कि इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर शुड बी असेस्ड, जब यूरिनरी कैथेटर को असेस करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द हेड ऑफ द बेड इज राइज, तो क्या करेंगे? इमीडिएटली अपन जो है हेड ऑफ द बेड राइज, तो हेड है वो बेड से थोड़ा सा क्या बढ़ा देंगे, राइज कर देंगे, क्लाइंट विद ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जब क्लाइंट हो किसका? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का हो, क्योंकि इसमें क्या होता है,
बिल्कुल हाइपरटेंशन होता है और सीवियर, इस बात पे ध्यान देना, सीवियर थ्रोम्बिक थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, सीवियर थ्रोम्बिंग हेडेक होता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज होगा क्या, आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, हेड को जो थोड़ा सा है वो क्या कर देंगे, हेड को राइज कर देंगे कितना, 30 डिग्री एंगल पर, हेड को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों आप सभी के लिए, द मिनर्वा वेस्ट विल बी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इमोबिलाइजेशन इंक्लूडिंग लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन होता है तो क्या होगा, मिनर्वा वेस्ट विल बी प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इमोबिलाइजेशन इंक्लूडिंग लेटरल फ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट सॉफ्ट कोलर डू नॉट लिमिट सर्वाइकल मोशन बट एक्ट एज ए रिमाइंडर अगेंस्ट एक्सेसिव मोशन। एक्सेसिव मोशन होती है उसके अगेंस्ट अपने को रिमाइंडर लगाना है, क्या काम करना है, मोस्ट सॉफ्ट कोलर डू नॉट लिमिट सर्वाइकल मोशन, सर्वाइकल मोशन का कोई लिमिट नहीं है, बट एक्ट एज रिमाइंडर, रिमाइंडर की तरह काम करता है अगेंस्ट द एक्सेसिव मोमेंट, एक्सेसिव मोमेंट के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोर रिजिड डिवाइस, मोर रिजिड डिवाइस सच एज फिलाडेल्फिया कोलर प्रोवाइड, फिलाडेल्फिया कोलर प्रोवाइड रीजनेबल इमोबिलाइजेशन, रीजनेबल इमोबिलाइजेशन ऑफ द मिड सर्वाइकल सेगमेंट फॉर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बट नॉट फॉर लेटरल फ्लेक्शन, नॉट फॉर लेटरल फ्लेक्शन। मोर रिजिड डिवाइस सच एज फिलाडेल्फिया कोलर प्रोवाइड, फिलाडेल्फिया जो कोलर है वो रीजनेबल इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन करती है ऑफ द मिड सर्वाइकल सेगमेंट का फॉर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बट नॉट फॉर लेटरल फ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्नेट मस्ट बी अटैच्ड एट द ऑल टाइम टू रिमूव द हेलो वेस्ट, रिमूव द हेलो वेस्ट इन केस क्लाइंट नीड कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। जिस पेशेंट को इसकी सीपीआर की नीड होती है, सीपीआर की नीड होती है, तो हेलो जो वेस्ट है ये क्या एक डिवाइस है, हेलो वेस्ट क्या एक डिवाइस है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्लाइंट की रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हेलो वेस्ट इज डिजाइन टू इम्प्रूव मोबिलिटी, द क्लाइंट में यूज ए व्हील चेयर, हेलो वेस्ट डिजाइन टू इम्प्रूव मोबिलिटी, हेलो वेस्ट जो है इसलिए डिजाइन किया गया है जो क्या करेगा, मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एंड क्लाइंट में यूज व्हील चेयर, और क्लाइंट उसको व्हील चेयर के रूप में यूज करता है। चलिए नेक्स्ट, परोक्साइड स्पेशली व्हेन अप्लाइड फुल स्ट्रेंथ टू हेलो वेस्ट पिन साइड, फुल स्ट्रेंथ टू हेलो वेस्ट पिन साइड कैन डिस्टर्ब द हीलिंग प्रोसेस एंड नॉर्मल फ्लोरा। क्या कह रहा है कि परोक्साइड स्पेशली, परोक्साइड जो होता है, क्या परोक्साइड जो होता है वो स्पेशली अप्लाइड फुल स्ट्रेंथ टू हेलो वेस्ट पिन साइड एंड कैन डिस्टर्ब, उसको हेलो वेस्ट पिन साइट पर जब यूज करते हैं कैन डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब कर देता है हीलिंग प्रोसेस को एंड नॉर्मल फ्लोरा को, एंड नॉर्मल फ्लोरा को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द पर्पज ऑफ द हेलो वेस्ट, यस द पर्पज ऑफ, पर्पज बताइए, हेलो वेस्ट का पर्पज क्या है, टू इमोबिलाइज द नेक, नेक को इमोबिलाइज करना, जो हेलो वेस्ट है, क्या दोस्तों हेलो वेस्ट जो है उसका पर्पज क्या होता है, टू इमोबिलाइज द नेक, नेक को इमोबिलाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइज है टू द नेक आर प्रोहिबिटेड इन द क्लाइंट विद हेलो वेस्ट बट शुड बी परफॉर्म टू अदर एरियाज, की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द नेक आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते इन द क्लाइंट विद हेलो वेस्ट, जिस क्लाइंट में हेलो वेस्ट लगा है, बट परफॉर्म कर सकते हैं अदर एरियाज पे। कोडा इक्विना सिंड्रोम, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोडा इक्विना सिंड्रोम अकर व्हेन देयर कंप्रेशन ऑन द नर्व रूट,
नरो रूट पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फोडा इक्विना सिंड्रोम अकर्स व्हेन जब देयर इज द कंप्रेशन ऑफ द नरो, नरो में जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन नरो रूट में कंप्रेशन होता है, तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है, फोडा इक्विना सिंड्रोम देखने को मिलता है। कैसा सिंड्रोम दोस्तों, फोडा इक्विना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, क्या फोडा इक्विना सिंड्रोम अफेक्ट एरिया बिलो द लेवल ऑफ कंप्रेशन रूट, कंप्रेशन रूट क्या जो फोडा इक्विना सिंड्रोम है वो अफेक्ट करता है एरिया को बिलो, नीचे द लेवल ऑफ कंप्रेस्ड नरो रूट, जो नरो रूट कंप्रेस्ड हुई है उससे नीचे के एरिया को क्या करता है, उसके नीचे के एरिया को क्या करता है, कंप्रेस्ड नरो रूट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोडा इक्विना सिंड्रोम इज इमरजेंसी, क्या है फोडा इक्विना सिंड्रोम इज एन इमरजेंसी दैट रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड होती है इसमें। नेक्स्ट इफ नॉट ट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं, इफ नॉट ट्रीटेड इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा, फोडा इक्विना सिंड्रोम मे लीड्स टू परमानेंट लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल एंड पैरालिसिस ऑफ द लेग। अगर क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना कि फोडा इक्विना सिंड्रोम जो है वो क्या लीड कर सकता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो, वो क्या करेगा, वो परमानेंट लॉस कर सकता है किसका, ब्लैडर का, बोवल, ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल को परमानेंटली लॉस कर सकता है और पैरालाइज कर सकता है लेग्स को पैरालाइज कर सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोडा इक्विना सिंड्रोम जो होता है क्या होता है, ये होता कब है, ये जो है कंप्रेशन होता है नरो रूट का, तब ये होता है नरो रूट का कंप्रेशन होगा और ये किसको अफेक्ट करता है, फोडा इक्विना सिंड्रोम जो है वो बिलो द लेवल ऑफ कंप्रेस्ड रूट, जहाँ से कंप्रेशन हुआ है वहाँ के नीचे की जो रूट है उसको क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर देगा, अफेक्ट करता है। और फोडा इक्विना सिंड्रोम क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंसर्टिंग ए यूरिनरी ड्रेनेज डिवाइस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन मेजरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रिंग एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन आर इंटरवेंशन दैट मे बी नीडेड फॉर द क्लाइंट फोडा इक्विना सिंड्रोम। Inserting a urinary drainage device, increasing the frequency of vital sign measurements, and administer anti-inflammatory medication are intervention that may be needed for the client with Foda equina. Next बात करेंगे, next क्या है, client with intervertebral disc prolapse की जो intervertebral जो disc है IVD, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो प्रोलैप्स हो गई, मतलब बाहर की तरफ निकल गई वो, शोइंग न्यू सिम्टम ऑफ लॉस ऑफ ब्लैडर, तो क्या करेगा, ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ बोथ लेग्स आर रिक्वायर्ड फिजिशियन टू बी नोटिफाइड इमीडिएटली। क्या करना है कि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ओके, और यहाँ पर क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है क्या हो जाए, प्रोलैप्स हो जाए, क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, प्रोलैप्स हो जाए, पूरी निकल गई बाहर, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा मैं बता दूं आपको, ये ब्लैडर जो कंट्रोल करता है, ब्लैडर कंट्रोल क्या करेगा, ब्लैडर कंट्रोल लॉस कर देगा और ये क्या करेगा, नीचे की जो लेग्स है, लेग्स को क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा, पैरालिसिस कर देगा लेग्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों रेस्पॉन्स अच्छा देना है इस वीडियो पे,
अगर आपका रेस्पॉन्स में दम रहा तो आपको बहुत बेहतरीन चीजें मिल जाएगी। अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आता है तो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, फिर तो रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्लासों को बंद कर देंगे और उनका लॉस हो जाएगा बेचारों का जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपन क्या कि ब्लैडर ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर द क्लाइंट रिहैबिलिटेशन फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शुड बिगेन अर्ली एंड शुड इंक्लूड इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन एवरी 2 to 4 hours। द ब्लैडर ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर ए क्लाइंट इन ए रिलेशनशिप फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शुड बिगेन अर्ली एंड शुड इंक्लूड इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन एवरी 2 to 4 hours। नेक्स्ट, व्हेन जब रेजिडुअल वॉल्यूम इज लेस देन 400 ml, क्या कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml होती है। अगर ये लेस देन हो गई 400 ml, क्या हो गई, लेस देन कितनी हो गई, 400 ml हो गई, द कैथेटराइजेशन शेड्यूल मे एडवांस टू एवरी 4 to 6 hours। तो कैथेटराइजेशन शेड्यूल है वो एडवांस होगा टू एवरी 4 to 6 hours। नेक्स्ट बात करते हैं इंडवेलिंग कैथेटर की। चलिए पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा दोस्तों अभी तक का सेशन, जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इंडवेलिंग कैथेटर में प्रीडिस्पोज द क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टू इन्फेक्शन एंड आर रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल। जो कैथेटर है वो प्रीडिस्पोज द क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिस क्लाइंट को क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, टू इन्फेक्शन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टू इन्फेक्शन एंड आर रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल, उसको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या ट्रेड मैनुअर इज अप्लाइड आफ्टर वॉइडिंग टू इनहेंस ब्लैडर एम्प्टिंग। ट्रेड मैनुअर इज अप्लाइड आफ्टर वॉइडिंग करने के बाद टू इनहेंस ब्लैडर एम्प्टिंग। ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए अपन क्रेड मैनुअर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ बैक पेन एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मे बी सिम्टम्स ऑफ मेटास्टेसिस। क्या मेटास्टेसिस इन द क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, कि सिम्टम ऑफ बैक पेन एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मे बी सिम्टम ऑफ मेटास्टेसिस इन ए क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर। जिस क्लाइंट को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है उसके अंदर सिम्टम होना किसका, बैक पेन का, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट का, वो मेटास्टेसिस का सिम्टम है। नेक्स्ट क्या है, फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड इफ द क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर इज एक्सपीरियंसिंग बैक पेन एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या फिजिशियन शुड बी नोटिफाइड, फिजिशियन को नोटिफाई करना है क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर, जिस क्लाइंट को ब्रेस्ट कैंसर है और उसको अगर बैक पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है, तो क्या करना है, फिजिशियन को अपने को नोटिफाई करवाना है। रिपोजिशनिंग द क्लाइंट, एनकरेजिंग फिजिकल थेरेपी और गिविंग एसीटो एमिनोफेन मे हेल्प द क्लाइंट विद बैक पेन बट मे डिले evaluation and treatment। repositioning the client, encouraging physical therapy को encourage करता है और giving acetaminophen उसको देनी है जो किसमें help करेगी, उसका जो back pain है उसको सही करने में उसकी help करती है, but may delay the evaluation and treatment। चलिए Meniere's disease, अरे ये बहुत important है,
Meniere's disease result in dizziness. So the client should be protected from falling. Client should be protecting from falling. So Meniere's disease. इसमें और क्या देखने को मिलेगा? क्या tinnitus देखने को मिलेगी, घंटियां बजेगी. चलिए Meniere's disease does not alter क्या Meniere's disease does not alter cerebral tissue perfusion. Cerebral tissue perfusion or directly affect nutrition. Next, Meniere's disease may cause hearing loss. ये बहुत important है. ये क्या cause करता है? Hearing loss को cause करता है. Causing impaired social interaction और social interaction को भी क्या impaired करता है. Next बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? द क्लाइंट हु हैड ए स्टेपेडेक्टोमी शुड बी पोजिशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड विद ऑपरेटिव ईयर अप. क्लाइंट हैज हैड स्टेपेडेक्टोमी अगर की है तो उसको कैसी पोजिशन देनी है कि जो कान क्या है अनअफेक्टेड साइड है, जो अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड जो पैन है, अनअफेक्टेड जो अनअफेक्टेड साइड है उसको नीचे रखना है और अफेक्टेड साइड को ऊपर रखना है. ये आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी जो मैं बता रहा था आपको, क्या टिनाइटस मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? Meniere's disease का मोस्ट कॉमन कॉज tinnitus, dizziness and vertigo occurs in Meniere's disease. Meniere's disease में होता है ये. किसमें होता है? Meniere's disease में. Epistaxis may occur with variety of the blood dysphagia or local lesions and facial pain may occurs with trigeminal neuralgia. Facial pain जो होता है वो किसमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है trigeminal neuralgia में देखने को मिलता है. Next, ptosis. Next क्या है? Ptosis occurs with variety of condition in myasthenia gravis का early symptom क्या होगा? Ptosis होगा. Next, one or both eye. क्या दोस्तों? One or both eye may be patched to prevent the pain with extraocular movement. Prevent किससे prevent करेगा? Pain with extraocular movement or accommodation when the client has foreign body protruding from the eye. Eye से जब foreign body निकालते हैं तो prevent करता है pain with extraocular movement को prevent करता है जो eye patches होते हैं. चलिए नेक्स्ट, केमिकल और स्मॉल फॉरेन बॉडीज. केमिकल्स और स्मॉल फॉरेन बॉडी इन द आई मे बी इरिगेटेड एंड नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी इज नॉट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी ऑल्दो इट मे बी डन आफ्टर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, protruding object in the eye are not removed. Protruding object in the eye are not removed by the nurse because the vitreous body may be ruptured. देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये बहुत important है. चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि chemical or small foreign body in the eye may be irrigated. द असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्विटी, सबसे पहले क्या करना है? असेस करना है विजुअल एक्विटी से कि उसकी आई विजन कैसा है. इज नॉट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी, कि असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्विटी इज नॉट प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी नहीं है इमरजेंसी में. ऑल्दो मे बी डन आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद भी कर सकते हैं. और प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट इन द आई आर नॉट रिमूव्ड, जो प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट है उसको आर नॉट रिमूव बाय द नर्स, नर्स के द्वारा रिमूव नहीं करना है बिकॉज द विट्रियस बॉडी जो होती है वो रप्चर हो सकती है. क्या हो सकती है? विट्रियस बॉडी जो है वो रप्चर हो सकती है. कॉर्नियल डैमेज,
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों क्या, कि कॉर्नियल डैमेज मे अकर्स विद प्रोलोंग्ड यूज ऑफ टॉपिकल एनेस्थेसिया। टॉपिकल एनेस्थेसिया का यूज करेंगे, कॉर्नियल डैमेज मे अकर्स, कॉर्नियल डैमेज मे अकर्स विद प्रोलोंग्ड यूज ऑफ, कि लंबे टाइम तक जब अगर अपन टॉपिकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं तो कॉर्नियल डैमेज हो सकता है। हियरिंग लॉस इन एल्डरली द क्लाइंट टिपिकली इन्वॉल्व अपर रेंज, क्या हियरिंग लॉस इन एल्डरली क्लाइंट टिपिकली इन्वॉल्व अपर रेंज हियरिंग लॉस इन एल्डरली क्लाइंट टिपिकली इन्वॉल्व इन अपर रेंज। तो दोस्तों अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करें कि अभी तक का सेशन कैसा लगा आपको दोस्तों। अभी तक का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और ये लास्ट स्लाइड आज की, अभी अपन आज की लास्ट स्लाइड लेके चलेंगे, फिर मैं देखूंगा इस वीडियो पे रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, देन उसके बाद ही क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या कि द लोअरिंग इन पिच ऑफ योर वॉइस फेसिंग द क्लाइंट आर एसेंशियल टू इनेबल द क्लाइंट विद हियरिंग लॉस टू यूज अदर मीन्स अंडरस्टैंडिंग सच एज लिप रीडिंग एंड मूड एंड सो ऑन, इनसे पहचानेंगे। लोअरिंग द पिच ऑफ योर वॉइस एंड फेसिंग द क्लाइंट एसेंशियल टू इनेबल द क्लाइंट विद हियरिंग लॉस टू यूज अदर मीन्स अंडरस्टैंडिंग सच एज लिप रीडिंग और मूड एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड ईयर वीक इज यूज टू अलाउ मेडिकेशन टू एंटर द ईयर कैनाल, द ईयर वैक्स, ईयर वैक्स इज यूज टू अलाउ टू मेडिकेशन टू यूर ईयर कैनाल। नेक्स्ट, शाउटिंग इज टिपिकली इन द अपर रेंज एंड कुड कोज एंजाइटी टू एन ऑलरेडी एनोक्सियस क्लाइंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या है, शाउटिंग इज टिपिकली इन द अपर रेंज एंड कुड कोज एंजाइटी टू एन ऑलरेडी एनोक्सियस क्लाइंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव मीन्स द कम्युनिकेशन सच एज राइटिंग मे ऑल्सो बी यूज टू असेस द चेस्ट पेन व्हाइल वेटिंग फॉर द फैमिली टू ब्रिंग द हियरिंग एड्स फ्रॉम होम। ये अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, कि कम्युनिकेशन सच अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज राइटिंग मे ऑल्सो बी यूज, लिख कर भी कर सकता है वो, टू असेस द चेस्ट पेन व्हाइल वेटिंग फॉर फैमिली टू ब्रिंग द हियरिंग एड्स फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पाल्पेब्रल फीसर्स आर इन द आई, द पाल्पेब्रल फीसर्स आर इन द आई आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद देयर नो नीड टू रेस्ट्रिक्ट सोडियम, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यूजिंग मेकअप बेंडिंग स्ट्रेनिंग lifting, vomiting and sleeping on the affected side may be increase intraocular pressure, क्या इंक्रीज कर देगा intraocular pressure and put strain on the suture after cataract surgery the earliest symptom of increase ICP अर्लियर सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी का जो अर्लियर सिम्टम होगा चेंज इन मेंटल स्टेटस में चेंज होना, अर्लियर सिम्टम ऑफ आईसीपी इंक्रीज आईसीपी का जो अर्लियर सिम्टम है वो क्या होगा, मेंटल स्टेटस चेंजेस होना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि द ब्रेडिकार्डिया वाइडेंड पल्स प्रेशर ब्रेडिपनिया अकर्स लेटर विद द इंक्रीज आईसीपी, जब आईसीपी इंक्रीज होती है तो क्या क्या कोज हो सकता है, वाइडेड ब्लड प्रेशर ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है। चलिए, द क्लाइंट मे वॉइड लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट
urine if the posterior pituitary has been damaged. The client void large amount of very dilute urine. Very dilute ki bahut adhik matra avoid large amount of the client may void client have void karega large amount mein dilute urine kyun ki posterior jo pituitary hai wo kya ho gayi damage ho gayi kyun ki wahan par kya hota hai ADH hota hai jo control karne ka kaam karega ab yahi yahi damage hogi to ADH nahi hoga wahan par ADH nahi hoga to bahut adhik matra mein kya aayega peshab aayega नेक्स्ट एपिड्यूरल हेमेटोमा और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा इज यूजली कॉज्ड बाय लेसरेशन ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है उसमें लेसरेशन हुआ है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी में क्या इंजरी हुई है जिसकी वजह से एपिड्यूरल हेमेटोमा देखने को मिलता है कौन सा एपिड्यूरल हेमेटोमा ए एम्बोलिक स्ट्रोक इज thromboembolism from carotid artery that rupture embolic stroke is a thromboembolism from carotid artery that rupture venous bleeding from the arachnoid space usually observed with subdural hematoma clear liquid from nose se clear liquid aana rhinorrhea और ईयर से ओटोरिया लिक्विड आना कैन बी डिटरमाइंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ म्यूकस बाय प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज प्रेजेंस है कि नहीं वो देखेंगे प्लेसिंग द क्लाइंट को प्लेस करेंगे फ्लैट इन द बेड पर सीधा लटाएंगे तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड प्रमोट पल्मोनरी एस्पिरेशन ये इंक्रीज आईसीपी और क्या प्रमोट करता है साथ में प्रमोट पल्मोनरी एस्पिरेशन को प्रमोट करेगा नेक्स्ट पार्ट द नोज शुड नॉट बी सक्शन इफ द क्लाइंट सस्पेक्टेड टू बी ड्रेनेज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नेजली बिकॉज द रिस्क ऑफ सक्शनिंग ड्रेन टिश्यू थ्रू द साइनस नेक्स्ट नथिंग इज इंसर्टेड इनटू द ईयर नथिंग इज देखिए कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है नथिंग इज इंसर्टेड इनटू ईयर और नोज क्लाइंट विद स्कल फ्रैक्चर बिकॉज द रिस्क ऑफ इंफेक्शन का रिस्क रहता है कि ल्यूसिड इंटरवेल डिस्क्राइब ब्रीफ पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉलो बाय द अलर्टनेस आफ्टर द सेवरल हावर कुछ घंटों बाद द क्लाइंट अगेन लॉस कॉन्शियसनेस तो क्लाइंट कॉन्शियसनेस को लॉस कर जाएगा नेक्स्ट है गार्बल स्पीच इज नोन एज डिसआर्थ्रिया क्या होता है गार्बल स्पीच नेक्स्ट एन इंटरवेल इन विच द क्लाइंट अलर्ट बट कैन नॉट रिकॉल रिसेंट इवेंट इज कॉल्ड एमनीसिया एमनीसिया किसे कहेंगे इंटरवेल बिटवीन द क्लाइंट अलर्ट है लेकिन Do not recall recent event और recent event को recall नहीं कर पा रहा recall नहीं कर पा रहा तो क्या कहलाएगा amnesia कहलाएगा दोस्तों आज का session इतना ही करेंगे अपन अगर आपको ये session अच्छा लगा है तो like करें share करें और channel पर पहली बार visit कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगर इस क्लास पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास चलिए अब आपको बता दूं डेली क्लास है वो आपको कब मिलने वाली है मैं बता देता हूं डेली क्लास आपको 12 PM दोपहर को 12 बजे डेली क्लास मिलेगी गोल्डन की एनक्लेक्स RN के जो गोल्डन की पॉइंट है उसकी क्लास मिलने वाली है दोस्तों आज का ये सेशन था आपको कैसा लगा जरूर बताना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो